नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। हमारा 16वां 16 क्लास है। इसमें आपको स्लैब बीम आरसीसी सिखाऊंगा। इसमें स्लैब बीम आपको आरसीसी सिखाना जाना। स्लैब बीम में आपको स्लैब चेकलिस्ट ऑफ स्लैब आरसीसी आरसीसी स्लैब एंड बीम ये आपको चेक करना होगा। कैसे चेक करना होगा ये सारी चीज आपको डिटेल में एक ही करके सारा समझाऊंगा और बताऊंगा। फिर आपको स्लैब शटरिंग चेकलिस्ट सिखाऊंगा, फिर स्लैब आरसीसी सिखाऊंगा। चलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ एक वीडियो। इस वीडियो में आपको देखिए यहाँ पे रेनफोर्समेंट जो है बन रहा है, सरिया जिसको बार बोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शटरिंग लगी हुई है। शटरिंग का चेकलिस्ट कैसे करना है, क्या करना है, ये सारे चीज़ मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे जो बार बन रही है यहाँ पे देखिए, ये लाइनिंग किए हुए वाइट चौक से, ये वाइट से वाइट पेन से ये मार्किंग दिए हुए हैं। इतने स्पेसिंग से ये बांधना है, कि कैसे बांधना है ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाऊंगा। ये सारे स्लैब का कटरिंग का आपको ये सारे चीज़ मैं आपको एक एक करके मैं बताऊंगा कैसे चेक करना है, क्या करना है। अब चलिए मैं आगे वीडियो दिखा रहा हूँ स्लैब कंक्रीटिंग का। इसमें स्लैब चेकलिस्ट ऑफ स्लैब बीम एंड स्लैब आरसीसी स्लैब एंड स्लैब बीम। इसमें क्या होगा, आपको हाई ऑफ हाइट ऑफ स्लैब फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू स्लैब लेवल, मतलब ये सबसे पहले आपको हाइट जो है प्लिंथ लेवल से आपको स्लैब लेवल पे ये चेक करना रहेगा। फिर क्वालिटी ऑफ शटरिंग मटेरियल भी चेक करना रहेगा। फिर प्रॉपर फिक्सिंग ऑफ कैप्स एंड कॉलम टू टेक लोड ऑफ बीम एंड स्लैब शटरिंग, मतलब कि आपका जो कॉलम है उसका लोड जो ले रहा है स्लैब एंड स्लैब बीम शटरिंग, उसको भी चेक करना रहेगा। फिर वाइड ऑफ स्लैब बीम बॉटम प्लान, मतलब कि जो बॉटम का होगा आपको जो जो होगा शटरिंग वह भी चेक करना होगा आपको, कि उतनी विड्थ पर है कि नहीं है बीम। प्रॉपर फिक्सिंग ऑफ बीम बॉटम कैप्स, जो कैप्स लगे हुए हैं उसमें जो कैप्स लग रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, फिक्स हुआ है कि नहीं, आपको वह भी चेक करना था। फिर लिंटर लाइन एंड लेवल ऑफ बीम बॉटम, मतलब कि उसको एक लेवल में है कि नहीं, लेवलिंग भी चेक करनी होगी। फिर डेप्थ ऑफ बीम एज पर आरसीसी ड्राइंग के हिसाब से उसकी डेप्थ दी हुई है, उतनी डेप्थ है कि नहीं। फिर प्रॉपर फिक्स ऑफ प्रोप्स ऑफ बॉटम लाइन एंड बॉटम एवरी 6 मीटर इनिशियल, 600 mm पे आपको हमेशा ये चेक करना पड़ेगा कि जो प्रॉप्स लगे हुए हैं बॉटम में वो प्रॉपर 600 mm पे है कि नहीं। अगर ज्यादा डिस्टेंस प्राप्त दीजिएगा तो क्या होगा कि स्लैब गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। फिर पैकिंग बिलो प्रॉप्स ओनली 1 or 2 बंडर प्लान पाइप्स एंड अलाउ नो ब्रिक्स एंड जो उसके बॉटम में जो लगते हैं प्रॉप्स, प्रॉप्स के बॉटम में आपको ब्रिक्स नहीं लगाना है। आपको वहां पे उड उड का कुछ कोई भी चीज आप लगा दीजिए, वहां पे कोई भी छोटा सा लकड़ी का हो, लकड़ी का ही सबसे ज्यादा बेस्ट होता है लगाना, ताकि वो आपको फिक्सिंग करने में प्रॉपर हो और वो बैठने के चांसेस प्रॉप्स में बहुत कम होते हैं। ब्रिक्स क्या होता है कि जब लोड पड़ता है तो क्रैक्स कर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो हम प्रॉप्स ढीला हो जाएगा। जब प्रॉप्स ढीला हो जाएगा तो कास्टिंग समय क्या हो जाएगा कि आपका बिल्डिंग गिर सकती है, इसलिए लगाना जरूरी होता है। प्रॉप फिक्सिंग ऑफ साइड बीम इन लाइन लेवल ऑफ प्लम्ब्स, मतलब कि साइड का भी जो फिक्स है कि नहीं है ये भी चेक करना होता है। सपोर्ट ऑफ वर्टिकल ज्वाइंट शटरिंग 6 मीटर टू 75 mm, मतलब कि इतना पर जब शटरिंग लग रहा है बीम पे वो चीज भी चेक करनी होती है। गैप्स ऑफ बीम साइड एंड फिलिंग, यह भी गैप्स भी चेक करनी होती है। फिर आप इंश्योर हो कि स्टील जो प्लांट है बीम साइड ऑफ प्लस पोजिशन वो भी है कि नहीं, यह भी चेक करना होगा। स्लैब स्लैब प्लांट शुड बी सपोर्ट 3 इंच बाई 3 इंच कवरिंग और 2 इंच डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू सेंटर, जो प्लांट है जो प्रॉप्स के डिस्टेंस होगी उसको भी सपोर्ट जो मिला हुआ है उसको वो 600 mm पे है कि नहीं यह भी चेक करना पड़ेगा। तीन उसके बाद आपको साइड प्लान फॉर प्लान प्रिपेयर डियर फिली, ये साइड को जो भी प्लान है वो भी चेक करना होगा। इंडिविजुअल लेवल ऑफ ईच बे ऑफ स्लैब, मतलब इंडिविजुअल है कि नहीं है, वो साथ में है कि नहीं। मार्किंग ऑफ स्लैब थिकनेस, अगर आपको स्लैब का जो थिकनेस है उस पर आपको ठेहा भी लगाना होता है, जो आपको मार्किंग करना होता है कि इस लेवल पे आपको सरिया पे भी मार्किंग कर सकते हैं, इस लेवल पे से आपको इतना लेवल तक आपको कास्टिंग करनी है करनी, उसको थिकनेस भी चेक करनी। वाटर ट्रीटिंग ऑफ प्लांट ज्वाइंट गैप बेंड, मतलब कि जहाँ पे गैप्स हैं शटरिंग पे उस गैप्स को भरना जरूरी होता है। वहाँ पे टेप लगा दीजिए चाहे कुछ लगा दीजिए ताकि श्रिंकेज जो भी हो पानी वो
आपको शटरिंग से नीचे ना गिरे उसको भी ध्यान में देना जरूरी होती है, उस पर शटरिंग पर आयल लगा है कि नहीं यह भी चेक करना होता है। फिर इनिशियल प्लान में मेजरमेंट एंड बीम डायगोनल पैनल भी चेक करनी होती है, लोकेशन अपडेट संकन स्लैब संकन में अगर लोकेशन जो दे रखी है उस पर है कि नहीं, उतनी डेप्थ है कि नहीं यह भी चेक करनी होती है, आउटर लाइन ऑफ बीम साइड है कि नहीं वो भी चेक करनी होती है, रूम साइड है डायगोनल्स भी चेक करनी होती है कि वो 90 डिग्री पर है कि नहीं, इधर उधर अगर 90 डिग्री पर नहीं होगा तो फिर वो गुनिया में नहीं होगा तो फिर टेढ़ा मेढ़ा आपका बिल्डिंग हो सकती है, स्लैब होगी तो आपका रूम भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसलिए उसको भी चेक करना होता है। वाटर थिकनेस नियर जंक्शन ऑफ कॉलम एंड बीम, जो कॉलम और बीम के बीच में उसका थिकनेस कितनी है यह भी चेक करनी होती है। बम्बू ब्रैक्स ज्वाइन एंड प्रॉपसी 4 मीटर हाइट, 4 फीट हाइट फॉर फ्लोर मतलब 4 फीट के मिनिमम होनी चाहिए, उसमें आपको यह भी चेक करनी होती है कि आपका डायमीटर ऑफ बीम सब बार है, मेन बार आपका जो मेन बार है बॉटम बार है वह भी चेक होती है। फिर डिस्टेंस बेन ऑफ एंड फेस वह भी चेक करनी होती है, लेंथ ऑफ बीम ऑफ बार सब प्रोजेक्शन एडजस्टमेंट यह भी चेक करनी होती है, लाइट हाइट ऑफ बीम ऑफ हाइट ऑफ बीम ऑफ बेंड ऑफ एंड बार मतलब कि जो बार लगे हुए हैं सरिया लगे हुए उसको ऑफ एंड डाउन भी चेक करनी होती है, उतनी हाइट पे है कि नहीं, उसके रिंग उतने साइड पे है कि नहीं, प्रॉपर बेंडिंग हुई है कि नहीं, चेयर चेयर भी लगा हुआ है कि नहीं, ये सब आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में सब चीज सिखाऊंगा कैसे क्या होता है। पहले आपको मोटा आपको ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, कवरिंग फॉर स्लैब बीम एंड बॉटम भी देखना होता है, बॉटम में भी आप कवर लगा हुआ है कि देखिए यहाँ पे इस स्लैब में यहाँ पे छोटा सा भी आपको देखा यहाँ पे कवरिंग नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कास्टिंग भी हो रही है तो एक लेवल में नहीं हो रही थी, इसकी वाइब्रेटर भी प्रॉपर मारना होता है, वाइब्रेटर नहीं मारिएगा तो फिर दिक्कत होगा। प्रॉपर से बैंड डिस्टेंस ऑफ स्टील डायमीटर यह भी चेक करनी थी, जो हर एक चीज ये चीज है सर, स्टीरअप ऑफ लॉन्ग अपर्स एंड फ्लोर कॉलम से स्टीरअप भी चेक करनी होती है। फिर थिकनेस ऑफ स्लैब के इलेक्ट्रिशियन जो भी इलेक्ट्रिक पाइप वाइप लगी वो सारे चीज आपको जो वाइब्रेटर मारने के बाद इधर उधर तो नहीं होगी, सारे चीजें कास्टिंग से में बहुत केयरफुली चेक करना पड़ता है, इलेक्ट्रिशियन लेआउट हुआ है कि नहीं, उसमें एमएक्स बॉक्स जंक्शन सही प्रॉपर लगा हुआ कि नहीं, अगर एमएक्स बॉक्स की जगह ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे ये जो लगा हुआ है गोल से ये गोल सा ये जंक्शन है, ये जंक्शन अगर आप पैर वो रखिएगा चाहे यहाँ पे कुछ भी रखिएगा तो हिल सकता है, यह भी देखना पड़ता है कि वो हिला है कि नहीं, अगर उस जगह पर है कि नहीं, वो जंक्शन लेआउट हुआ है कि नहीं है प्रॉपर, आपका ये चीज सेटिस्फाई है, अगर आप ड्राइंग भी ले रहे हैं तो सेटिस्फाई वो आर्किटेक्चर से है कि नहीं, ये सारे चीज सेटिस्फाई आप कंसल्टेंट जो आरसीसी का कंसल्टेंट कर रहा है उसको नॉलेज है कि नहीं, अभी सब चीजें देखनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको स्लैब बीम आरसीसी का मैं दिखा रहा हूँ, ए टू बी बी में यहाँ पे देखिए ए टू बी और ग्रिड 5 to 6 के बीच में ये मेरे कर्सिव देखिए ये संकन पोर्शन है, इस संकन पोर्शन की प्रॉपर डिस्टेंस है कि नहीं, देखिए आप 525 दे रखा है ये डिस्टेंस पूरी है कि नहीं अभी चेक करनी होती है। फिर इसकी आरसीसी जब कास्टिंग हो रही थी प्रॉपर वाइब्रेटर लग रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, एक चीज अगर नहीं चेक करिएगा तो आपको बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा जिसमें कि बिल्डिंगें गिरती है, क्यों गिरती है, वहां पे इंजीनियर नहीं होंगे प्रॉपर चेक नहीं किया होगा, जब कास्टिंग के समय में भी आपको नीचे कम से कम जो शटरिंग वाले होते हैं वो 3-4 होनी चाहिए कि कोई भी अगर बल्ली या प्रॉप्स अगर हिल रहे हैं चाहे अगर वो अपने अपने जगह से इधर उधर हो गए हैं तो उसको प्रॉपर फिक्सिंग करे, अगर नहीं प्रॉपर फिक्सिंग करेगा तो गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और ये लेवल भी यहाँ से लेवलिंग जो बीम है यस बीम से और उसको उसको स्लैब तक वो एक लेवल में है कि नहीं, क्या होता है कास्टिंग के समय में क्या होता है कि वो नीचे भी सेटिंग नीचे जाता है लोड पड़ने की वजह से तो वहाँ पे दब जाते हैं और वो क्या होता है अंडुलेशन दिखने लगता है, ऊपर नीचे दिखने लगता है, ये सब चार्जेस सारे चीजें देखनी होती है कि कास्टिंग समय बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती है, अगर कास्टिंग के समय में कास्टिंग से पहले कास्टिंग के बाद ये सारी चीजें देखनी होती है, अगर आप नहीं देखिएगा तो प्रॉपर आपका स्लैब में क्रैक्स आएंगे रिंकेज होगा और वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम की सामना करनी पड़ सकती है, ये सब चीजें ध्यान देनी होती है। आज के लिए वीडियो इतना ही, आप देख लीजिएगा कहीं पे भी ये सब मैं आपको एजुकेशन वीडियो में दे रहा हूँ या आप हर जगह जाइएगा हर यूट्यूब पर देखिएगा ये वीडियो आपको नहीं मिलेंगी, वो प्रॉपर तरीका से आपको एक लाइन सीक्वेंस से आपको कोई नहीं बता रहा है यूट्यूब पे, बस इधर उधर से आपको उठा उठा कर आपको डाल दे रहे हैं वीडियो, आपको शुरू से आपको इनिशियल से लेकर और एंड तक मैंने सारा चीजें आरसीसी का मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ब्रिक वर्क के बारे में बताऊंगा,
फिर प्लास्टर के बताऊंगा, फिनिशिंग लेवल के 0 से लेकर फिनिशिंग लेवल तक मेरी क्लासेस चलेंगी। उसके बाद आरसीसी का मैं बताऊंगा, हर एक चीज छोटी से छोटी चीजें बताऊंगा। एस्टिमेशन कॉस्टिंग का मेरा क्लास 16 है, मगर आपको हर एक चीज को वीडियो का एक एक करके मैं बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी भी मोटिवेशनल बना रहे, तो मैं आगे चलकर और वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को बहुत हेल्प करे। यही सब वीडियो आपको 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपया देकर आप पढ़ाई करते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि जो लड़के आपको इतने पैसे देकर इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे एमटेक, जो भी आपको डिग्री ली हुई है, अगर उस डिग्री का कोई भी अगर नॉलेज ना हो तो कोई भी उसकी महत्व नहीं है। ताकि आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, तो इसके लिए थैंक यू और सब्सक्राइब।